बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी कुछ स्मृतियां मिटाए नहीं मिटती, इंसान की ही नहीं शहर की भी। बनारस जो एक बार गया वह इसे बखूबी महसूस कर सकता है। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक, जो दिल में तो आता है पर समझ में नहीं आता। इतना अनछुआ कि छू नहीं सकते, बस गंगा की तरह अंजुली में भर सकते हैं। धार्मिक नहीं आध्यात्मिक शहर है यह। यहाँ जीवन और मृत्यु साथ साथ चलती है। यहाँ की खूबसूरती लफ्जों में बयां नहीं की जा सकती, यहाँ आकर महसूस की जा सकती है। इस नगरी में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग शहर के बीच गंगा किनारे स्थित है। बनारस को लोग मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर आदि नामों से भी जानते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अर्जुनियस ब्लॉग। मैं हूं नीरज और इस वक्त मैं हूं बनारस में। मेरे पीछे आप ये बेहद खूबसूरत गंगा घाट देख सकते हैं, जो कि वाराणसी का सबसे फेमस घाट है, दशाश्वमेध घाट। आज मैं आपको इस वीडियो में दशाश्वमेध घाट का पूरा दृश्य दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए मेरे साथ घूमिए बनारस। ये देख सकते हैं दशाश्वमेध घाट। तो ये आप देख सकते हैं, ये है बनारस का सबसे फेमस घाट दशाश्वमेध घाट, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ से गंगा नदी का आपको दिखाई देगा। ये सारे पंडित जी यहाँ बैठे हैं, यहाँ पूजा पाठ वगैरह जो भी करवाना चाहते हैं आप वो सभी करवा सकते हैं। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं, और गंगा नदी की धारा आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं। बेहद खूबसूरत नज़ारा यहाँ से आपको दशाश्वमेध घाट का। यहाँ से आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा। यह पूरा नज़ारा देख सकते हैं दशाश्वमेध घाट का। Thank you.
यहाँ पे आप बोट राइड भी कर सकते हैं उचित मूल्य पे। आप कुछ शुल्क आपको देना पड़ेगा और उसके बाद आप बोट राइड कर सकते हैं। बोट राइड का भी अपना एक अलग मज़ा है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ देख सकते हैं सभी लोग स्नान वगैरह कर रहे हैं। यहाँ स्नान करके आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जा सकते हैं। तो ये अब देख सकते हैं दशाश्वमेध घाट का पूरा नज़ारा। काफ़ी गर्मी और धूप होने के कारण यहाँ पर श्रद्धालुओं की थोड़ी कमी नज़र आ रही है ज़रूर, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं का जोश जो है वो वैसा ही है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने यहाँ पर स्नान किया है। भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं यहाँ से। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, नेनू बनारस साड़ी फैक्ट्री नीम जी में अंदर की स्वागत हो चपटु नाम हो नीरू बनारस जी को बाली रखे। तो ये आप देख सकते हैं, ये बोट पे मतलब बारात लेके आया जा रहा है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं श्री काशी विश्वनाथ द्वार। मंदिर जाएंगे ना? नहीं, टू नंबर गेट जाइए, खाली है काशी विश्वनाथ टेम्पल। अरे जाएंगे लाइन लगा, तुरंत दर्शन हो रहा तुरंत। तो ये आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। ये काशी विश्वनाथ गली है।
हर तरह की चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगी, देख सकते हैं। चला गया इडली।